ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अमेंडमेंट वीडियोस ये सारे वीडियोस आपके बहुत काम के हैं दिस इज वीडियो नंबर टू इसके पहले हमने वीडियो नंबर वन बनाया था जिसमें गिफ्ट में जो जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो बताए हैं और अभी हम लोग ये बताने जा रहे हैं कि डिविडेंड चैप्टर में क्या अमेंडमेंट आया है अमेंडमेंट वीडियो टू the name of the टॉपिक इज dividend. आपने dividend का सेक्शन सुनाया सेक्शन टू ट्वेंटी टू मैं आपको दो मिनट पहले 222 ट्वेंटी टू एक बार वापस से summary में याद करा दू Section टू ट्वेंटी टू में आपने पढ़ा clause a, जिसमें कोई भी कंपनी अपने किसी भी शेयर को कोई भी तरीके से asset release kare then such release of asset to the extent of accumulated profit shall be treated as dividend vaise koi bhi company apne shareholders mein bonus debentures ya bonus deposit certificate baate, to ye bonus debentures and bonus deposit certificate ka distribution shall be treated as dividend to the extent of accumulated profit similarly कोई भी कंपनी अपने लिक्विडेशन के समय अपने इक्विटी शेयर होल्डर में कोई भी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे तो दिस विल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 222 डी कोई भी कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर में यदि रिडक्शन ऑफ इक्विटी कैपिटल करे तो इक्विटी कैपिटल रिडक्शंस में जो पैसे बट रहे हैं वो पैसे बटने भी टू द एक्सटेंट ऑफ

डवांस टू स्पेसिफाइड मेंबर बाई ए क्लोजली हेल्थ कंपनी अच्छा इन सब में एक बात कॉमन थी टू द एक्सटेंट ऑफ एक्मुलेटेड प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्मुलेटेड प्रॉफिट क्वेश्चन आता है कि इसमें अमेंडमेंट क्या आया है अमेंडमेंट यह आया है डिविडेंड के प्रोविजन में कोई अमेंडमेंट नहीं आया डिविडेंड के ट्रीटमेंट में अमेंडमेंट आया है अब यहां से आपको ध्यान देना है बिकॉज अमेंडेड पार्ट चल रहा है ये तो पुरानी प्रोविजन चल रहे थे ट्रीटमेंट डिविडेंड का ये है कि यदि इंडियन कंपनी डिविडेंड देती है अंडर सेक्शन 222 ए से लेकर अंडर सेक्शन 222 डी तक तो शेयर होल्डर के हाथ में सच डिविडेंड इज एक्जेमटेड अंडर सेक्शन 1034 थर्टी फोर अप टू टेन लैख एंड टेन लैक्स से भी यदि ज्यादा डिविडेंड मिल जाए तो अंडर सेक्शन वन वन फाइव बीबीडीए इन शेयर होल्डर को दस परसेंट की रेट से टैक्स देना पड़ेगा यह प्रोविजन लास्ट ईयर भी था कि इंडियन कंपनी के डिविडेंड

दस लाख का डिविडेंड तो एग्जाम है और दो लाख के डिविडेंड पे शेयर होल्डर को टेन परसेंट प्लस, प्लस सेस टैक्स देना पड़ेगा और इस डिविडेंड इनकम से कोई एक्सपेंडिचर्स अलाउड नहीं होगा एंड कंपनी के हाथ में एज जो पुराना प्रोविजन था वही है कि कंपनी विल बी लाइबल टू पे सी डी टी ऑन एंटायर डिविडेंड सो डिक्लेय दी डी टी विल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आई रिपीट फिफ्टीन परसेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इन अदर वर्ड ट्वेंटी पॉइंट फाइव 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 ऑफ डिविडेंट इसको हम लोग ग्रोसिंग अपलते थे ग्रोसिंग अपनी ट्वेंटी पॉइंट फाइव 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 परसेंट से डिविडेंटर पर टैक्स देगी या तो फिफ्टीन परसेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोल लीजिए और या फिर ट्वेंटी पॉइंट फाइव 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 ऑफ डिविडेंड बोल लीजिए ऑफ कोर्स ऑफकोर्सेंट प्लस सरचार्ज बोलने की बात नहीं है परंतु 20.555 इंक्लूसिव ऑफ ऑल है बात आगे बढ़ रही है यदि टू डिविडेंड 222 ई वाला डिविडेंड है तो 222 ई वाला डिविडेंड मतलब एक क्लोजली हेल्ड कंपनी ने अपने स्पेसिफाइड मेंबर या उनकी कंसर्न्स को उनकी ऑर्गेनाइजेशन को जिनमें उनका 20 परसेंट या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है ऐसी कंपनीज को यदि ऐसे शेयर होल्डर को ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को लोन या एडवांस दिया है नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो ये लोन या एडवांस डिविडेंड माना जाएगा ये 222 ट्वेंटी के डिविडेंड में इस साल बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया पहले प्रोविजन यह था कि ये डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होंगे एज यूजल मतलब नॉर्मल इनकम की तरह टैक्सेबल होंगे और कंपनी के हाथ में सीडीटी नहीं लगेगा नाउ द अमेंडमेंट इज डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में एक्टेड है एद्जाम्टेड है। कितना भी डिविडेंड मिल जाए ये 1034 की तरह यहां पे जो आपने 1034 थर्टी देखा उसी तरह 10 लाख रुपए तक नहीं है जितना भी ये वाले डिविडेंड मिल जाए शेयर होल्डर के हाथ में कंप्लीटली एग्जामेड है यानी यदि 222 ट्वेंटी का डिविडेंड शेयर होल्डर को या उसकी कंसर्न्स को 18 लाख 80 लाख 8 करोड़ कोई भी अमाउंट का मिल जाए शेयर होल्डर को उस पर टैक्स नहीं देना एंड कंपनी विल बी लाइबल टू पे सीडीटी द क्लोजली हेल्ड कंपनी विल बी लाइबल टू पे सी डी टी एट द रेट थर्टी परसेंट प्लस सरचार्ज प्लस थर्टी परसेंट प्लस सरचार्ज प्लस ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पंद्रह परसेंट है यहां टैक्स रेट पंद्रह परसेंट है और यहां पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स रेट थर्टी परसेंट है वन डिफरेंस अनदर डिफरेंस इस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का फिफ्टीन परसेंट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे निकलता है यानी इसको ग्रॉसअप करना पड़ता है और अल्टीमेटली आता है 20.555 परसेंट ऑफ डिविडेंड अमाउंट इंक्लूडिंग ऑफ़ लेकिन डिविडेंड टैक्स अंडर सेक्शन 222 ई e वाले डिविडेंड पे 30 परसेंट प्लस सरचार्ज प्लस सेस लगता है ऑन डिविडेंड अमाउंट और इसको ग्रोसअप नहीं करना पड़ता यानी ये थर्टी परसेंट डायरेक्ट अल्टीमेटली 34.944% आता है दैट इज सिंपली बिकॉज थर्टी परसेंट टैक्स सर चार्ज ट्वेल्व परसेंट एंड से नॉर्मली थर्टी फोर पॉइंट नाइन फोर फोर आता है इसको कोई ग्रॉसअप नहीं करना पड़ता वेर एज ये ग्रॉसअप करने के बाद आता है दिस मूव लाइक दिस फिफ्टीन बाई एटी फाइव प्लस सरचार्ज प्लस सेस ये ऐसे करने के बाद ग्रोसअप करने के बाद ये 20.55 परसेंट आता है और ये तो डायरेक्ट नॉर्मल क्लोज में 34.944 आता है तो आपने देखा अमेंडमेंट की तीन सीरीज एक साथ लग गई पहली बार 222 ई पहले शेयर होल्डर के हाथ में एक्जाम्पेड था नाउ पहले शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल था अब ये शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम पहले कंपनी इसमें सीडीटी नहीं देती थी अब कंपनी इसमें सीडीटी देगी सीडीटी नॉर्मल रेट होती है पंद्रह परसेंट लेकिन यहां पे सीडीटी की रेट है थर्टी परसेंट सीडीटी नॉर्मली लगता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे लेकिन यहां पे लगेगा डिविडेंड पे सीडीटी को यहां पर ग्रॉसअप करना पड़ता है कम्स टू ट्वेंटी पॉइंट फाइव 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 यहाँ पे सीडीटी को तो ग्रॉसअप नहीं करना पड़ता नॉर्मल सर से जोड़ने के बाद थर्टी फोर पॉइंट नाइन फोर फोर सी की रेट है एंड फॉरेन कंपनी यदि डिविडेंड देती है तो प्रोविजन्स में कोई चेंज नहीं है शेयर होल्डर के हाथ में यह टैक्सीबल है एंड कंपनी के हाथ में सीडीटी नहीं लगती आई होप यहां तक क्लियर लेकिन एक छोटी सी बात और है यह जो वर्ड है ना टू द एक्सटेंट ऑफ एक्मलेटेड प्रॉफिट इसमें एक हल्का सा अमेंडमेंट आया है कि एक्मलेटेड प्रॉफिट निकालते समय यदि किसी कंपनी का अमागमेशन हो जाए तो अमालगमेटेड कंपनी की जितनी भी प्रॉफिट है वेदर कैपिटलाइज और नॉट दैट सेल आल्सो बी ट्रीटेड एज एक्मेलेटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी आई रिपीट माय सेल्फ यदि अमालगमेशन हो जाए तो न्यू कंपनी की एक्यूमेलेटेड प्रॉफिट में ओल्ड कंपनी की एक्यूमेलेटेड प्रॉफिट जुड़ जाएगी और डिविडेंड निकालते समय ओल्ड कंपनी की एक्यूमेलेटेड प्रॉफिट जोड़ के फिर आप डिविडेंड अमाउंट निकालेंगे